और अब खबर धर्मजगत से है, जहां 84 लाख रुपए की लागत से बन रहा स्टॉप डैम विवादों में आ गया है। स्थानीय ग्रामवासी इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि विभाग चयनित स्थल के बजाय दूसरी जगह डैम बना रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि जहां स्टॉप डैम बन रहा है वहां पर्याप्त पानी स्टोर नहीं हो पाएगा, भविष्य में ये डैम अनुपयोगी साबित हो सकता है। साथ ही ये भी आरोप लग रहे हैं कि स्थल चयनित के समय विभाग के अधिकारियों ने गांव के किसी भी जनप्रतिनिधि से कोई राय शुमारी नहीं ली। यहां ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी ठेकेदार के साथ मिलकर ऐसे तैसे डैम बनाकर सरकारी राशि का बंदरवाट करने की फिराक में लगे हैं। बना थे गड्ढा खोदा थे ते सब गलत जगह में बना थे और बाद में हमारे किसान के लायक सिंचाई के जगह नहीं है, पानी जो रखने के लिए जगह नहीं है, उसी जगह में बना थे। और ये बात है मिरी बुढ़ा इलिया में बना थे, नकना इलिया में नहीं बना थे और नकना के नाम से है। तो डैम बनना था जो जगह सही नहीं है वो गलत जगह पे भी बन रहा था और जो वहाँ किसी को लाभ नहीं मिलेगा जो बन रहा था वहाँ, जो अभी हम लोग बनाना चाहते हैं वहाँ लाभ मिलेगा और आदमी को भी आते जाते हैं उनको भी बैल भैंस के लिए भी और गांव वालों के भी उनको भी मिलेगा, जो बनवा रहा था उनको भी मिल जाएगा वहाँ लाभ और जो बन रहा था हम नहीं हो पाएगा, ऐसी जगह नहीं है। स्टॉप डैम बन रहा था वो गलत जगह पर बन रहा था और जहाँ पर किसान लोगों को नहीं और किसान को लाभ नहीं हो सकता और ये डैम जहाँ हम लोग चयनित किए हैं वहीं पर होना चाहिए और वहाँ पर किसानों को लाभ भी होगा और नहाने धोने बैल बकरी सबके लिए भी वहाँ पर सुविधा होगा।